को आती नहीं है। क्या देखो ये गुब्बारे तीन है ना जी, तीन गुब्बारे। हाँ जी, तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे। सही है। आगे हम लिखेंगे टू। सही है। तो हम टू को करेंगे प्लस का माइनस। सही है। और नीचे लिख देंगे हम 25। क्यों? ये होते हैं माइनस के साइन। माइनस अगर थ्री और प्लस टू, अगर थ्री बलून हो तो प्लस टू बलून तो हम इन बलून को काउंट करेंगे तो 5 बन जाएंगे, 25 तो नहीं बनेंगे। नहीं देखो ये तीन बलून है ना जी, एक साथ यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे। हाँ यहाँ पे आके टू, ठीक है, यहाँ पे आके एक बलून और। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो क्या बन जाएगा वहाँ पे आ जाएगा 4। ऐसे बलून को एक ही काउंट करना होता है नंबरों को लाइनें लगा के। लेकिन आपने बोला 3 प्लस 2, 3 बैलून हो आगे 2 बैलून हो तो 5 बन जाते हैं। तो ऐसे तो होता है। देखो वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बलून पड़े हुए ना वहाँ पे, सिर्फ टैडी भी है। सही है। यहाँ पे टैडी पड़े हुए हैं और वहाँ पे मैंने लिख दिया है प्लस, आगे लिख दिया मैंने इन्ने बालू पड़े हुए हैं। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वहाँ पे आगे आगे 10। इनको ऐसे काउंट कर। आप ये हमें बड़े बच्चों का आता है, हमारे टीचरों को ये नहीं आता। मुझे आता है। टीचरों को क्यों नहीं आता? उनको नहीं आता ना। ओ, तो आपको किस ये बालू तीन है ना जी, तो ध्यान में मैंने बालू को प्लस कर दिया तो यहाँ पे 1 2 आगे आगे 2। आपको ये आता है? देखो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 0, यहाँ पे ये, तो क्या बन जाएगा? 0। नहीं 0 का मतलब कुछ नहीं होता, तो वहाँ पे आएगा 2। अच्छा, अगर किसी के साथ 0 लगा दें तो उसका मतलब होता है कुछ भी नहीं। अगर उनके उनके साथ 0 लगा देना तो जो पीछे वाला वर्ड है वो आगे आएगा, प्लस, क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं होता। प्लस में, प्लस में अगर हम उन 2 के साथ 1 लगा दें तो बनेगा 3। हाँ। अगर मैं 2 1 के साथ 0 लगा दूं तो आ जाएगा 1। ओ, ये तो सो सिंपल है। अब मुझे समझ आ गया। अब वोवल्स, वोवल्स किसके साथ लगते हैं? वोवल्स के साथ क्या लगते हैं? एन एन और बाकी सब के साथ ए। ठीक। और एक आनू को एक चीज आती नहीं है। क्या? मुझे एक आता है देयर क्लाउड इन द स्काई, तो ये आ रहा साउंड। किस चीज का? यार एक क्लाउड्स का साउंड। देयर आर क्लाउड इन द स्काई, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। स्काई का भी साउंड आ रहा है और क्लाउड्स का भी साउंड आ रहा है। ठीक है, क्यों मैं क्या देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, क्योंकि स्काई आगे है और क्लाउड्स पीछे है। क्योंकि बहुत सारे क्लाउड्स हैं तो देयर आर लगा दिए, और अगर एक हो तो दिस इस लगा दिए। अब देखो सिस का वर्ण लिखा हुआ लेकिन मुझे फिर भी आता है SIX6। अब मुझे समझ आ गए, अब मुझे समझ आ रहा थोड़ा थोड़ा। अब मुझे थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ा दिया करो ना, फिर मुझे समझ आ। हाँ जी देखो हमारे पाँव के नंबर, मेरा पाँव कितने हाइट का है? 9। तो अगर हमें 9 का जूता नहीं मिले तो हमें घर में जो पुराने जूते हैं ना, उनको ना उनकी ऊपर हिस्से अलग करके। सही है। जो आपके 2 जूते पुराने हैं ना, हाँ जी, उनको ऊपर वाला हिस्सा काट जो ऐसे बना हुआ होता है। ओके। फिर क्या करो ना, 2 हिस्सों को जोड़ दो।
ओके ऊपर उनका वो वाला लगा तो जो था ऊपर एक डिजाइन का ऊपर बना दो बहुत सारी डिजाइन ओके फिर हमारी नई चप्पल बन जाएगी 9 नंबर की पुरानी चप्पल से कैसे बनेगी फिर वो पुरानी तो छोटी होगी नहीं अगर कोई आपको नई चप्पल पसंद नहीं आई तो उनको जोड़ लो आपस में अच्छा क्या समझ आ गया तो फिर एक ही नहीं बनेगी नीचे वाले के एक का ना ऊपर वाले हिस्सा फाड़ दो ठीक है और उनको दोनों चमटा दो आपकी चप्पल बन जाएगी ना और आप सबसे ऊंचे लगेगो अगर आप 3 लगा दोगे तो आप अगर आपने जिन्हें भी आपके ढेर जूतों के उनको जोड़ दोगे ना तो आप बड़े हो जाओगे क्योंकि सबसे बड़ा आपका हो जाएगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं मामा जी अब बताओ एक चीज जी पूछो प्लस का माइनस होएगा तो क्या आएगा मुझे क्या पता माइनस होएगा माइनस से क्या होता है माइनस में क्या करते हैं अगर माइनस नहीं होएगा तो हम लगा देंगे माइनस नहीं होता ना तो हम लगा देंगे प्लस के माइनस नहीं होता ओके अगर माइनस नहीं होएगा ना फिर भी हम नंबरों को काउंट करके आगे लिख देंगे सही तो प्लस में काउंट करते हैं तो माइनस में क्या करते हैं माइनस में बताओ क्या करते हैं माइनस में हम लाइनें लगाते हैं सही है और प्लस में हम हल्की हल्की लाइनें लगाते हैं नहीं माइनस में हम हल्की हल्की लाइनें लगाते हैं तब वो होता है और प्लस में हम ऊंची ऊंची लाइनें लगाते हैं डार्क डार्क ये होता है नहीं माइनस कैसे है अभी 2 फिंगर है और 1 माइनस कर दो तो फिर क्या बनेगा माइनस नेक्स्ट पे कितनी फिंगर रह जाएंगी फिंगर 2 रहेंगे ना 2 फिंगर है और 1 माइनस करेंगे तो फिर क्या करेंगे वहां पे आ जाएगा 2 वो तो प्लस काउंट होगा ना 2 फिंगर है हाँ और माइनस 1 है तो अगर 1 फिंगर 4 हो गए माइनस अगर 1 फिंगर माइनस कर देंगे तो कितनी बच जाएगी 1 ऐसे होगा ना माइनस में तो हम काट देते हैं ना प्लस में हम काउंट कर देते हैं देखो मामा आप उनको यकीन नहीं आता ये कितनी फिंगर है 5 इनमें से हम 2 काट दें दो हम इसमें से एक काट देंगे तो कितनी बच जाएंगी 4 एक और काट देंगे 3 एक और 2 एक और 1 एक और 0 ये आपको आता है हाँ। आपको एक चीज नहीं आती नहीं बताओ आपको जो चीज नहीं आती मैं इसका मुझे वो नहीं आता था बा अलीफ वाला वो वाला मैंने वो सीख ली कौन सा वो जो बा अलीफ वाला था आपको कौन सा नहीं आता वो मैं कह ये नहीं आता था ना जो अभी आपने पढ़ाया है वोवल्स नहीं आते थे नहीं और कुछ नहीं आता तो बता दो और कुछ मुझे आप बताओ ना वो आप हाँ आपके स्कूल वो जो नाम पढ़ते हैं अल्लाह के मुझे वो नहीं आते दुआ नहीं आती पर लबे आती है दुआ मन के तमन्ना मेरी नहीं ये मुझे आती कौन वो जो अल्लाह के नाम पढ़ते हैं अर रहमान अर रहीम कुल कुदूस दुबा और असु لا منی ولا ولا ذی لا الا الا الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المهیم المعزیز الجبار الکی حاخلی کل بالی مصفر فاروق حاوز الرا افت ورحلیم القافز القافی فی القاف ہم مزم مزم سمیر بصیر کبوراک لذیب و بیرک رزیر شام حاضر کمن
बस और आपको आती है तिलावत इन्ना तो वहीना कर ले कौन सी वो जो तिलावत पढ़ते हैं तिलावत नहीं आती नहीं आती वो भी याद करनी है ताकि वो भी आपको आ जाए नहीं आप बताओ अपना ये जो खाली होते नीचे से जैसे मतलब हमने रोड कराए थे उसको बोलते मतलब रोड कराए थे ना हाँ. वो साफ साफ दिखता है उसको कहते हैं हेड हेड ये पूरा हेड सही पर हेड हेड हेयर अच्छा ये हेयर है हेयर ठीक है फोरहेड फोरहेड आईलैशेस आईलैशेस ये क्या है आईब्रो 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 ये सारी आई ही होती है ये आईब्रो ये आईब्रो है ये आईलैशेस है और ये पूरी आई है Eyes, eyes, nose, nose, lips, lips, ears, ears, leg, leg, teeth, teeth, mouth, mouth, tongue, tongue, arm, arm, elbow. ये आते हैं एल्बो एल्बो फुट फुट हैंड हैंड आर्म आर्म फुट फुट बस ये वाला मुझे नहीं पता कौन सा ये क्या कहते हैं किसको इसको हेयर नहीं किसको नीचे वाले को इसको हाँ फोरहेड फोरहेड से ऊपर ये जो है जिसपे बाल है हेड हेड ये मुझे नहीं आता हेड 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 आईलैशेस और आईब्रो मुझे याद हो ये मुझे नहीं आता हेड हेड क्या हेड आप मुझे कहती हो वो टकला होते जो हम गंजा कराते हैं ना और वो खाली खाली दिखते हैं ये यहाँ से हमारा खाली दिखता है ना खाली दिखता है ये देखो यहाँ से आपका खाली है ये हाँ, हाँ. इसको इस हम पूरे को कहेंगे खाली पूरे खाली हेड को कहेंगे ये है पूरा जो खाली होता है ना इसको कहेंगे हेड मेरा खाली हो गया यहाँ से खाली है ना थोड़ा थोड़ा तब हम बाल उठाते हैं वो खाली होते हैं हाँ, ये तो इसको कहें तो वो मेरे बाल पकड़ के फोड़ती है ना तो मेरा खाली हो रहा है एक दिन ऐसे होगा सारा खाली हो जाएगा इसको बोलते हैं हेड हेड अब मुझे याद है हेड आईलैशेस आईब्रो थैंक यू टीचर